संबंधित सवाल, वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सामान्य गलतियां। नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम तराजू से वस्तुओं का वजन तोलने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। यह देखो नीतू क्या कर रही है, बाटों को तराजू पर रख कर कुछ परेशान लग रही है और बिरजू काका उसे देख रहे हैं। अरे बिटिया, क्या हुआ, क्या कर रही हो? काका, यह देखो ना, मैं इन दो बाटों को अलग अलग पलड़ों पर रख रही हूँ, लेकिन ये काटा सीधा ही नहीं हो रहा है। क्योंकि इन दोनों का वजन अलग अलग है। नहीं काका, ये देखो, 1 किलो और यह 100 ग्राम, दोनों बराबर ही तो हैं। अच्छा, दोनों को उठाकर देखो, क्या उठाते समय दोनों का भार अलग अलग नहीं लग रहा? हाँ काका, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तुम भूल रही हो कि 1 किलो माने 1000 ग्राम, ना कि 100 ग्राम। हाँ काका, यह मैं कैसे भूल गई? 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ना कि 100 ग्राम के। बिल्कुल, अब तुम इस 100 ग्राम के पलड़े पर और बाट रखो, ताकि इस पर 1000 ग्राम पूरे हो जाएं, जिससे तराजू पर दोनों तरफ का वजन बराबर हो जाएगा। ठीक है काका, मैं रखती हूँ। इस 100 के साथ 500, फिर 200, फिर 100 का 1 और आखिर में 50 50 ग्राम के 2। यह हो गए पूरे 1000 ग्राम। देखो काका, काटा बराबर हो गया। शाबाश। तो बच्चों, समझ आया ना, 1 किलो 100 ग्राम नहीं 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब देखो, बिरजू काका नीतू से कुछ पूछ रहे हैं। अगर मैं एक पलड़े में 1 किलो का बाट रखूंगा और दूसरे पलड़े में 2 किलो का बाट, तो कौन सा पलड़ा ऊपर जाएगा? 2 किलो वाला। वह कैसे? क्योंकि 2 किलो वाला पलड़ा ज्यादा भारी है। हाँ बिटिया, 2 किलो वाला पलड़ा 1 किलो वाले पलड़े से ज्यादा भारी है, लेकिन जो पलड़ा ज्यादा भारी होता है वो नीचे जाता है। काका, मैं समझी नहीं। देखो, मैं समझाता हूँ। जब तुम सीसॉ वाले झूले पर शाम के साथ बैठती हो, तो शाम अपने आप ही नीचे चला जाता है और तुम ऊपर, है ना? हाँ काका, क्योंकि शाम मुझसे भारी है, इसीलिए वो आसानी से नीचे चला जाता है। हाँ बिल्कुल, वैसे ही इस तराजू में भी ज्यादा वजन वाला पलड़ा नीचे और कम वजन वाला पलड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि वह दूसरे पलड़े से हल्का होता है। समझ गई काका, जो वजन ज्यादा भारी होगा वो नीचे जाएगा। इसका मतलब है 1 किलो और 2 किलो के बाटों में से 1 किलो वाला पलड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उन दोनों पलड़ों में हल्का है। बिल्कुल, तुम अच्छी तरह समझ गई हो। तो बच्चों, आप भी समझ गए ना, तराजू में भारी पलड़ा नीचे जाता है और हल्का पलड़ा ऊपर। इस वीडियो में हमने तराजू से वस्तुओं का वजन तोलने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जाना।